अमिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में गिरी और इस बार वजह रहा दिवाली सेलिब्रेशन। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी के ये जो गेट नंबर 7 आप देख रहे हैं, इसी गेट नंबर 7 के अंदर दिवाली सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था। रंगोली कुछ स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई, दिए यहाँ पर जलाए गए। उसी दौरान बताया जा रहा है कि दूसरा जो गुट है वो यहाँ पर पहुँच जाता है, रंगोली पर दूसरे गुट का पैर जो है वो लग जाता है, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों ही गुट आपस में भिड़ गए और उसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि रंगोली गेट नंबर 7 के ठीक अंदर जब आप एंटर कर रहे हैं तो सामने ही आपको लाइन से रंगोली बनी हुई नज़र आ जाएगी। बताया जा रहा है कि शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास इसी तरीके से दिवाली सेलिब्रेशन यहां पर चल रहा था। छुट्टियां इसके बाद दिवाली की हो जाती हैं, जो एक गुट है वो दिवाली सेलिब्रेशन यहां पर कर रहा था। उसी दौरान झड़प जो है वो शुरू हुई और झड़प इस कदर हुई कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहां पर लगाए गए। एहतियातन दोनों ही गुट आपस में जब भिड़े, उसके बाद पुलिस को इस मामले में इतला जो है वो दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी शिकायत उन्हें इस मामले में बरामद नहीं की गई है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली पुलिस जामिया और आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग करती हुई जो यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील करती हुई आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगी। तमाम वीडियो हैं, इन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए गए। दोनों ही गुट धार्मिक नारे लगाते हुए जामिया के अंदर नजर आए। दोनों ही गुट आपस में झड़प भी हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है क्योंकि मामला जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर का है, अगर शिकायत मिलती है तो उस आधार पर आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सुबह की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जामिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो यहाँ पर है, गेट पूरे तरीके से बंद है, स्टूडेंट जो अपना आई कार्ड दिखाकर अंदर जा रहे हैं। लेकिन गेट नंबर 7 पर ये पूरा विवाद हुआ, जिसके सबूत आपको नजर आ जाएंगे। रंगोली आपको यहाँ पर बनी हुई नजर आ जाएगी, स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रंगोली बनाई थी और उसी दौरान विवाद जो है वो शुरू हो जाता है। एक स्टूडेंट का पैर रंगोली पे पड़ता है, जिसके बाद तमाम जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की गई, फिलिस्तीन जिंदाबाद के जो नारे है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता जतिन की रिपोर्ट को आप देख रहे थे, लेकिन जतिन ने वहां पर जो चश्मदीद मौजूद था उससे भी बात की, आपको सुनवाते हैं कि उसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हमें दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगे, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो उस समय वहाँ थे, चश्मदीद भी है। क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद, क्या हुआ था, क्या देखा आपने, कितनी भीड़ थी? अराउंड 40-50 लोग थे और एक गैंग अप टाइप का हो रहा था, ग्रुपिंग टाइप हो रही थी लोगों की और आपस में किसी को मार रहे थे वो लोग। और मैं सब जा रहा था और एकदम से गाली गलौज और एक दूसरे को कुछ बोलना और घसीट घसीट के मार रहे थे। और वो जो मारने वाले लोग थे, ऐसा सच मुझे, मैंने उनको कभी कॉलेज में देखा नहीं है, तो वो इन्वायरमेंट मेरे लिए भी एक तरह से पैनिकिंग था, क्योंकि मैं बाहर का स्टूडेंट हूँ कि यार कॉलेज में कोई भी बाहर का इंसान आके ऐसे मार दे आपको या फिर कुछ भी कर दे, किसी के साथ भी हो सकता है। और दीपोत्सव था कल, अच्छा सा इवेंट था, रंगोली बनाई थी बच्चों ने, पूरा कॉलेज सजा हुआ है, आप जाके देखिए अंदर तो। और इस तरह की चीज़ हो जाना तो एक तरह से थोड़ा सा एक अंदर डर सा बना देता है। कुछ ऐसा हुआ था कि रंगोली पे पैर लग गया, दिए जल रहे थे उस पर, कुछ लोगों ने पैर मार दिए, उसके बाद झड़प शुरू, ऐसा कुछ? मतलब ऐसे कॉलेज में भी बज़ है इस तरह का कि रंगोली बनाई गई थी और मतलब उसको पूरा मिटार दिया गया इन सॉर्ट ऑफ, जिस पे रिएक्शन आया दोनों तरफ से, उधर से भी इधर से भी, और उसी पे ही ये झगड़ा शायद स्टार्ट हुआ। तीन जिंदाबाद के नारे लगे? नहीं नहीं, इस तरह का नहीं नहीं, वीडियो तो बहुत आ रहे हैं लगातार पीछे से। शायद मैंने वो मिस कर दिया, लेकिन मैं जब जा रहा था नारे तो नहीं लग रहे थे, पर लंबे लंबे नारे लग रहे थे। क्या थे वो? अकबर के। अच्छा, मतलब धार्मिक स्लोगन? हाँ धार्मिक, या या इट वॉज रिलीजियस। कौन थे ये, क्या स्टूडेंट्स यहीं के थे? स्टूडेंट नहीं थे, ये बाहर से आए हुए लोग थे, क्योंकि मैंने उनको कभी, मैंने आपको बताया, मैंने ऐसे सच देखा नहीं है, क्योंकि इस तरह के आप उनके अटायर उनको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो, क्योंकि अभी हम खड़े हैं गेट नंबर 7 के बाहर ही, गेट बंद है, सिक्योरिटी है, अननोन पर्सन तो कोई अंदर जा नहीं सकता बिना आईडी कार्ड के, तो बाहर के लोग कैसे अंदर आ सकते? मैं आपको बता रहा हूँ ना, फाइट उस गेट में हुई थी बेसिकली, तो वहाँ पे बाहर से, मतलब जब बाहर के गेट में होते तो बाहर से लोग आए हैं ऐसे, अंदर नहीं हुए प्रमाइसिस के, बाहर हुआ है, तो उस गेट पे ऐसा सच कोई रहता नहीं है।
और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, हर बार हिंसा में जामिया का नाम ही क्यों आता है? कौन है ये जो एक यूनिवर्सिटी के भीतर हिंदुओं के दुश्मन है, जिन्हें दीपोत्सव से भी एक बड़ी समस्या है, और कौन है ये लोग जो लगातार नफरती साजिश को अंजाम दे रहे हैं? किस तरह की कानूनी कार्रवाई अब तक हुई है? आज बिल्कुल देखिए, चश्मदीद की बात आपने सुनी, हालांकि वो बोल रहा है कि आउटसाइडर्स आए थे, लेकिन इस थ्योरी पर ज्यादा विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि आप देखेंगे गेट पूरे तरीके से बंद है, स्टूडेंट्स अंदर जा रहे हैं, आईडी कार्ड होगा तो ही जाएंगे, और जामिया की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी है जो कि वेरीफाई करके स्टूडेंट्स को अंदर भेजते हैं। और जो हिंसा हुई वो कल इसी गेट के अंदर हुई, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं कि आप यहां से देखेंगे तो रंगोली अंदर बनी हुई आपको नजर आ जाएगी। यहीं पर ही दीपोत्सव जो है वो मनाया जा रहा था, लाइन से आप देखिए गेट नंबर 7 के ठीक बाहर आपको लाइन से रंगोली बनी हुई नजर आ जाएगी, और वो रंगोली अब पूरे तरीके से वैनिश है, मिटी हुई है, और इसी को लेकर विवाद हुआ कि दूसरा गुट जब यहां पर पहुंचता है रंगोली पर उसका पैर लग जाता है या इंटेंशनली पैर से मारा गया, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद दोनों ही गुट आपस में भिड़ जाते हैं, धार्मिक स्लोगन लगाए गए, फिलिस्तीन जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहां पर लगाए गए, और उसके जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि सिक्योरिटी यहां पर है, वो लगातार हमें हटा भी रहे, और अक्सर जामिया में इस तरीके का विवाद देखने को मिलता है। इससे पहले जतिन, आप लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट बता रहे हैं, हालांकि कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर लगातार जारी है, लेकिन कैसे बना अल्पसंख्यक संस्थान, ये सबसे बड़ा सवाल है। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना आपको बताते हैं 1920 में हुई थी, और उसके बाद 1988 में जामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया था, और आगे आपको बता रहे हैं कि 2011 की अगर बात करें तो जामिया को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा भी उस वक्त दिया गया था, जिसमें कि 50% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व की गई थी। और अब आप देख सकते हैं कि इससे एक बार फिर से बवाल वहां पर देखने को मिला है, हालांकि पुलिस वहां पर तैनात है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे, आपको हमने सुनवाया कि चश्मदीद ने क्या कुछ कहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के त्योहारों का दुश्मन आखिर कौन है? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से बवाल हुआ है, हंगामा बरपा है, और हिंदुओं के त्योहार पर खास करके इस तरीके से बवाल हुआ है। दीपोत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन दीपोत्सव के दौरान आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दिए तोड़ दिए गए, रंगोली मिटा दी गई, और दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इस रिपोर्ट में देखिए, जामिया में सनातन का विरोध, फिलिस्तीन का सम्मान, जिहादी नारा स्वीकार, दीपावली पर तकरार, दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में हमेशा की तरह दिवाली से पहले दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कैंपस में मौजूद एक गुट को यह आयोजन रास नहीं आया और उसने इस कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि मामूली विवाद के बाद धक्का मुक्की और मारपीट होने लगी। जामिया यूनिवर्सिटी में मंगलवार की शाम 7:30 बजे के आसपास दो गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इस कदर बढ़ा कि दोनों गुटों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और आखिर में जामिया प्रशासन को मौके पर आना पड़ा। जामिया मिलिया इस्लामिया में राष्ट्रीय कला मंच ने ज्योतिर्मय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में संगीत, रंगोली प्रतियोगिता से लेकर 1000 दिए जलाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे। आरोप है कि मुस्लिम छात्रों ने इस समारोह का विरोध करना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि शाम 7:30 बजे के आसपास ABVP के छात्र गेट नंबर 7 के अंदर दीपावली का एक त्योहार मना रहे थे, जिस दौरान रंगोली बनाई जा रही थी, जो दिए थे उनको जलाया जा रहा था। इसी समय दूसरे जो गुट के लड़के वो यहाँ पर पहुँचते हैं, दोनों की भी धक्का मुक्की होती है। धक्का मुक्की के दौरान रंगोली जो है वो बिगड़ जाती है, जो दिए थे वो टूट जाते हैं। इसी समय प्रशासन को बुलाया जाता है, प्रशासन मौके पर पहुंच के माहौल को शांत करवाने की कोशिश करते हैं। उसी समय दिल्ली पुलिस को भी जानकारी दी जाती है। अब ABVP पूरे मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि क्या भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीपावली मनाना या फिर भारत माता की जय के नारे लगाना अपराध है? वही वामपंथी संगठन SFI ने जामिया प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए और इस पूरे घटना पर जामिया कुलपति और प्रॉक्टर से बेहद तीखे सवाल पूछे हैं।
हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी किसी पक्ष की तरफ से मामले पर लिखित शिकायत नहीं मिली है। विश्वविद्यालय कैंपस में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है, जिसको देखते हुए एहतियातन यूनिवर्सिटी के आसपास पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस मामले में अभी दिल्ली पुलिस को शिकायत नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली पुलिस को छात्रों की तरफ से शिकायत दी जाएगी तो पुलिस इस पूरे मामले में लीगल एक्शन लेगी। फिलहाल एहतियातन तौर पे जामिया के आसपास दिल्ली पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।